आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सप्ताहांत में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के सोयाबीन वायदा में गिरावट आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि नवीनतम मंदी के साथ ही यह वायदा एक सप्ताह से भी कुछ अधिक समय के निचले स्तर पर आ गया है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शुष्क उत्पादक क्षेत्रों में वर्षा होने के अनुमानों का इस प्रमुख तिलहन फसल की कीमतों पर दबाव लगातार बना हुआ है। दक्षिणी ब्राजील और अर्जेंटीना के शुष्क उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन में कमी आने की आशंका से एक सप्ताह पूर्व यह वायदा तेज होता हुआ जुलाई के बाद के ऊंचे स्तर पर जा पहुंचने के बाद से सोयाबीन वायदा करीब 3% लुढ़का है। एक विश्लेषक का कहना है कि दक्षिण अमेरिका के सोयाबीन उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका है, लेकिन नवीनतम मौसमी संभावना की वजह से उत्पादन की संभावित कमी पूर्वानुमान के अनुरूप रहने की आशंका अब कम ही रह गई है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि दक्षिण अमेरिका का उत्पादन विश्व में सोयाबीन के सबसे बड़े खरीदार चीन जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कस्टम विभाग द्वारा सप्ताहांत में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष पूर्व की तुलना में वर्ष 2021 में चीन का सोयाबीन आयात घटा है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 2018 के बाद पहली बार चीन का सोयाबीन आयात घटा है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि अपने व्यापक पशुधन क्षेत्र की मांग कमजोर पड़ने के कारण सोयाबीन के आयात में यह कमी आई है। मौसमी संकेतों से पता चलता है कि विश्व में प्रसंस्कृत सोयाबीन के सबसे बड़े तथा मक्की के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक अर्जेंटीना के शुष्क क्षेत्रों में उल्लेखनीय वर्षा हो सकती है। लानीना मौसमी चक्र के कारण उपजी शुष्कता और लू चलने के बाद कुछ विश्लेषक अभी भी सतर्क बने हुए हैं। उन्होंने आगे बताया है कि अगले सप्ताह शुष्क क्षेत्रों में वर्षा गुजर जाने के बाद लानीना मौसमी चक्र के कारण संभावित शुष्कता की वजह से अपने सोयाबीन उत्पादन के पूर्वानुमान में भारी कटौती कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।